वेलकम टू स्टडी प्लग। नमस्कार, इस वीडियो में जानेंगे हम सी में आने वाली एरर्स के बारे में। सी का प्रोग्राम लिखते समय कितने टाइप की एरर्स आ सकती है, उनका क्या क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो सबसे पहली एरर है वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब क्या? सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए जो भी रूल्स बने हुए हैं उनका अगर हम वायलेशन कर दें, उन्हें तोड़ दें, तो जो एरर आती है वो होती है सिंटैक्स एरर। एग्जांपल में जैसे आप किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो वहाँ कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगाना पड़ता है। आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो सिंटैक्स एरर जनरेट होगी। ऐसे कई लाइनें हैं जहाँ सेमीकोलन लगाना पड़ता है और कहीं कहीं नहीं भी लगाना पड़ता है। तो जहाँ लगाना पड़ता है वहाँ आपने नहीं लगाया और जहाँ नहीं लगाना पड़ता वहाँ आपने लगा दिया, तो सी का कंपाइलर आपको एक एरर जनरेट करेगा जो कि सिंटैक्स एरर होगी। जैसे मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये एक स्टेटमेंट है सी के अंदर। इसके बाद मुझे प्रोग्रामिंग में सी इक्वल टू ए प्लस बी के बाद सेमीकोलन लगाना होता है। अगर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया और ये प्रोग्राम चला दिया तो इस लाइन में मुझे एक सिंटैक्स एरर दिखेगी, सेमीकोलन मिसिंग, कि एक सेमीकोलन मिसिंग है। तो सेमीकोलन यहाँ जरूरी है। जैसे मैंने void main लिखा, void main के बाद सेमीकोलन नहीं लगता है और मैंने वहां पे सेमीकोलन लगा दिया, तो जब मैं प्रोग्राम कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक एरर शो होगी कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया है जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिंटैक्स एरर क्या है। अगर मैं प्रोग्रामिंग को लिखने के जो रूल्स उन्होंने बना रखे हैं उनका मैं वायलेशन कर दूं, उन्हें मैं तोड़ दूं कहीं से, या गलत तरीके से यूज कर लूं, तो जो एरर आती है वो है आपकी सिंटैक्स एरर। सेकंड है आपकी सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब क्या? आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जिसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा हो, मीनिंगलेस स्टेटमेंट लिख दिया आपने, भले वो सिंटैक्स के रूप में सही है पर उसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, कंपाइलर उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सिमेंटिक एरर। मतलब जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं सी के अंदर उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, और अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वो कौन सी एरर बनेगी आपकी? सिमेंटिक एरर। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू किसको दे दो? ए प्लस बी को दे दो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मीनिंग किस बात का निकलता है? ए प्लस बी, इन दोनों की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू को जोड़ो और इसकी वैल्यू नए वेरिएबल सी को दे दो, तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग निकल रहा है। पर मैंने क्या लिख दिया गलती से? ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब सी की वैल्यू किसको दे दो आप? ए प्लस बी को, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यह हमारी कौन सी एरर हो गई? सिमेंटिक एरर। थर्ड एरर है आपकी लिंकर एरर। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कुछ चीजें प्री डिफाइंड है सी के अंदर, जैसे stdio.h header files, void main, यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। कुछ चीजें प्री डिफाइंड है जिसको हमारा कंपाइलर उन चीजों से लिंक कर देता है, उन चीजों से लिंक करके हमारा प्रोग्राम को चला देता है। अब मैंने void main में लिखता हूँ, मैं हर लाइन में void main, फर्स्ट लाइन होती है प्रोग्राम की, void main में m में हर बार स्मॉल लेटर में लिखता हूँ। मैंने किसी प्रोग्राम में गलती से क्या लिख दिया? कैपिटल लेटर में लिख दिया। तो प्री डिफाइंड तो क्या था? स्मॉल m था, मैंने अपनी तरफ से क्या लिख दिया? कैपिटल m। तो कंपाइलर क्या करेगा? उसको लिंक नहीं कर पाता है स्मॉल m को कैपिटल m से, वो लिंक नहीं कर पाता। वो मशीन है, उसको जैसा हमने पहले समझा रखा है बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगी। तो उसको हमने किस तरीके से समझा रखा था? मेन के अंदर जो m है वो स्मॉल रहेगा और हमने क्या लिख दिया? कैपिटल, तो लिंक नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप की एरर को हम लिंकिंग एरर कहेंगे, लिंक एरर कहेंगे। फोर्थ है आपकी रन टाइम एरर। आपने पूरा प्रोग्राम सही लिख दिया, प्रोग्राम चल भी रहा है, सही से भी काम कर रहा है, पर कहीं कहीं उसमें क्या आ सकती है? रन टाइम पे जब वो प्रोग्राम चल रहा है कंसोल विंडो पे तो क्या आ सकती है? रन टाइम एरर आ सकती है। जैसे एक डिवाइड वाला प्रोग्राम लिखा, C इक्वल टू A डिवाइड बाय B, A की कोई भी वैल्यू आएगी यूजर से, B की भी कोई भी वैल्यू आएगी यूजर से, प्रोग्राम मेरा प्रॉपर वर्क करता रहेगा। पर एक कंडीशन हम इसमें सपोज करते हैं कि अगर B की वैल्यू A डिवाइड बाय B है तो B की वैल्यू अगर जीरो इंसर्ट कर दे यूजर, ए में कोई भी वैल्यू डाले और बी में कह दे वो कि जीरो से डिवाइड करना है। अब जीरो से डिवाइड करना है मतलब जैसे हम मैथ्स में जानते हैं कि जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट टाइम्स आंसर आता है, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या? इसका जवाब कौन नहीं दे पा रहा है? खुद मैथ्स नहीं दे पा रही है कि क्या होगा, डिवाइडेशन चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो जिस चीज का जवाब मैथ्स भी नहीं दे पा रही है सही से, तो हमारा सी का कंपाइलर तो दे ही नहीं सकता है। तो इसी प्रोग्राम में जो प्रॉपर सही से चल रहा था और उसमें मैं बी की वैल्यू डिवाइड वाली वैल्यू क्या डाल दूं? जीरो, तो ये प्रोग्राम कहाँ अटक जाएगा? रन टाइम पे अटक जाएगा, रन टाइम पे एरर आ जाएगी।
ऐसे और भी कई एरर्स हैं जो रन टाइम पे आती है, धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके बारे में सीख जाएंगे। हमारी जो लास्ट एरर है वो है लॉजिकल एरर। ये आप जब भी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपकी इधर आएगी सिंटेक्स वाली एरर, आप लिखने में गलती करेंगे। धीरे धीरे आप लिखना सीख जाएंगे तो सेकंड जो सबसे ज्यादा एरर आती है वो है आपकी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब क्या, किसी टास्क के लिए आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम कंपाइल भी सही से हो गया, चल भी रहा है, पर जो आउटपुट आपको चाहिए वही आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम लिखा, कुछ लॉजिक मैंने बना दिया उसमें और प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो रहा है। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ तो जो प्राइम नंबर है उनको भी मेरा प्रोग्राम क्या नहीं बता पा रहा है, प्राइम नंबर नहीं बता पा रहा है। जैसे 17 इंसर्ट किया तो 17 एक प्राइम नंबर है, पर फिर भी मेरा प्रोग्राम क्या नहीं बता पा रहा है, 17 को प्राइम नंबर नहीं बता रहा है। मतलब जिस ऑब्जेक्टिव को लेके, मतलब जिस उद्देश्य को लेके मैंने प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम कंपाइल भी हो गया, रन हो रहा है, पर उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे रहा है। मतलब डिजायर्ड इनपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इस टाइप यहाँ पे कहाँ गलती है, मेरे लॉजिक में मैं समझा ही नहीं पाया अपनी बात को, सी को मैं अपनी बात को गलत तरीके से लिख दिया, या मेरे हिसाब से जो था सही था पर वो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, मेरा लॉजिक सही से नहीं जा रहा है, सी उसको समझ नहीं पा रही है। तो इस टाइप की एरर को हम कहते हैं लॉजिकल एरर। फिर से देख लेते हैं सिंटेक्स एरर। पहली ये सिंटेक्स एरर जो आप जब न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं तब तो आपके सामने आएगी, आप लिखने के तरीके में गड़बड़ करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगी। सिमेंटिक एरर बहुत कम बार आती है, आ भी जाए तो आप देखें किसी भी चीज का अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है किसी भी स्टेटमेंट का तो सिंटेक्स एरर आएगी। थर्ड है आपकी लिंकर एरर जो भी बहुत कम बार आती है फिर भी आ जाए तो आप ध्यान रखें कि जो प्री डिफाइंड चीजें होंगे एज इट इज लिखें आप जिस तरीके से वो लिखी हुई है। फोर्थ है रन टाइम एरर और फिफ्थ है आपकी लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर के बाद जो सबसे ज्यादा एरर आती है वो होती है लॉजिकल, हमसे लॉजिक सही नहीं लिखा गया तो डिजायर्ड इनपुट के लिए डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो कहाँ गड़बड़ है हमारे लॉजिक में, लॉजिकल एरर है। और रन टाइम एरर जब आप लॉजिकली भी प्रोग्राम सही करने लग जाएंगे, सिंटेक्स में भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, लॉजिक्स में भी गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप 2-3 स्टेप आगे आ गए हैं प्रोग्रामिंग करते करते, तब तो आपको फेस करनी पड़ेगी रन टाइम एरर्स। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।